अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। एक और सांसद मेरे साथ आए हैं, माननीय संतोष पांडे जी, संतोष जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। और हमारे अपने परिवार के हिस्सा पूर्व सांसद और भाजपा के महापौर और क्या क्या जवाबदारी रही है, उपाध्यक्ष और पता नहीं कितनी जवाबदारी, जोरदार तालियां मधुसूदन यादव जी के लिए। गजेंद्र यादव जी विधायक, कहां गजेंद्र जी, गजेंद्र जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और राकेश यादव कहां है, जोरदार तालियां राकेश जी के लिए, ये विद्यार्थी परिषद के मेरे साथी हैं। मंच पर विराजमान बिश्रा राम जी यादव साहब, आपका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी परंपरा, हमारे बीच वरिष्ठ बैठे तो हमको लगता है कि हमारी आमसभा चालू हुई, मीटिंग चालू हुई, पंचायत चालू हुई। गुलेंद्र यादव जी, गुलेंद्र जी का भी अभिनंदन है। नंद जरोखा जी यादव, जोरदार ताली का, नंद जरोखा। गोविंद लखन यादव जी, संजय यादव जी, बोधन यादव जी, शंकर यादव जी, प्रीतम यादव जी, जगनीक यादव जी, आपने नाम बड़े अच्छे अच्छे रखे, मैंने भी पहली बार सुने। ललित यादव जी और भाजपा के हमारे नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेश मूणत जी, जोरदार ताली राजेश मूणत जी के लिए भी बजाएं। कितना अच्छा लग रहा है हम सबको अपने आप में। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के अंदर भगवान कृष्ण के मानने वाले और राम और कृष्ण के लिए तो हमारी पूरी संस्कृति दुनिया में पहचानी जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन काल को हम देखें तो अभाव में, कष्ट में जीने वाले लोग घबरा जाते हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण को सामने रखो तो ध्यान में आएगा कि कष्ट क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। और इन तकलीफ और कष्ट के बावजूद भी जिन्होंने जीने की ललक बनाए रखी, समाज के सामने अपना उदाहरण बना के रखा, वो और कोई नहीं, हमारे गोपाल कृष्ण भगवान ही तो है, जिनका पूरा जीवन सबके सामने अभावों के बावजूद भी, एक ऐसे बालक का जन्म होने वाला जिनके माता पिता को पैदा होने के पहले जेल डाल दिया जाए। कभी कल्पना करो किसी माँ बाप को जेल जाना पड़े और बच्चा पैदा हो तो अपने परिवार में, आमतौर पर समाज में ऐसा माना जाता है कि इनका कितना कैसा भाग्य है कि जेल जाना पड़ रहा है। लेकिन वो भगवान जो जीते जी अपने मानव से भगवान बन के गए, उनका जन्म ही जेल में हुआ। चलो मान लो जन्म जेल में हुआ तो छोटे बालक थे, पता नहीं उनका क्या होती दुनिया, लेकिन अपनी जीवन की दिनचर्या चालू करते हैं यशोदा और नंद बाबा के साथ, और बचपन में ही कैसा वो पुराना पैदा होने के कष्ट तो है ही, जो है वो तो उनको मालूम नहीं है, लेकिन जो पैदा होकर के मुंह खोलते हैं, अपने कदम बढ़ाते और मालूम पड़ता कि अपने घुटने घुटने चलने में भी पूतना आ जाती, घर में मारने के लिए, जहर पिलाने के लिए। ये अलग बात है कि भगवान ने अपने बाल रूप से ही समाज की हिम्मत बढ़ाने का काम किया, जो जो उनके रास्ते में आया वो मरता गया, भगवान दिनों दिन बढ़ते गए, ये भगवान गोपाल कृष्ण का हमारे लिए वरदान है। और एक नहीं, एक बार नहीं, पूतना आई, पूतना मरी, फिर बकासुर आया, बकासुर मरा, धेनासुर आया, धेनासुर मरा, एक के बाद एक। लेकिन जाने अनजाने हमारे भगवान के पराक्रम पुरुषार्थ को भी संशोधन करने की जरूरत है। आप बताओ, एक के बाद वो जो उनको मारने आ रहा है, भगवान उनको मार देते हैं। अब मारने के बाद तो बच्चा तो पूछते ही होगा ना माँ से, यशोदा माँ से, कि ये हमने मारा, ये कौन है? तो माँ क्या बताएगी, बेटा तू बच के रहना, ये कंस के लोग हैं, ये कंस के भेजे लोग हैं, इनसे सावधान रखना। पिता तो बताते होंगे भगवान को,
अब बालक के दिमाग में आ गया कोई न कोई कंस है जो मेरे को मारना चाहता है, और वह अपने मां के आंचल में छिप करके अपनी जिंदगी के बाकी दिन धीरे धीरे बड़े होकर निकालते हैं। हमारे लिए सीखने वाली बात है, भगवान जब कंस के मारने के घटनाक्रम को समझ जाते फिर माखन बनता भगवान के घर में, और माखन की मटकी बनकर के मटकी उठ करके जा रही है तो मां से पूछते मटकी कहां जा रही है, मां बोले तो कंस के पास जा रही है। अब आप बताओ जो अपने घर में कंस को दुश्मन के रूप में देख रहे हैं और वो कंस को माखन पहुंचा रहे घर वाले, तो बच्चा क्या कहेगा, भगवान ने कहा नहीं ये माखन हम नहीं जाने देंगे, मैं खा जाऊंगा, ढोल दूंगा, फोड़ दूंगा, फेंक दूंगा, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। ये उनका विद्रोह है भगवान का, उनके अपने जीवन में जो उनने अपना बहादुरी का जन्म लिया है तो वो उनके अपने शुरू के चमत्कार है। जाने अनजाने हम भगवान को क्या कह देते हैं, अब ये पाप करते कि नहीं करते अपन, और वो देखते केवल उनके घर से नहीं उनके दोस्तों के घर से भी जा रहा माखन, तो जो दुश्मन के यहां जाएगा तो भगवान क्या करेंगे, भैया तुम भी खा जाओ, फेंक दो, ढोल दो, फोड़ दो, लूट लो, लेकिन जाने मत दो, दुश्मन को मजबूत मत करो, इतना तो करेंगे ना भगवान कि नहीं करेंगे, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम संकल्प करें कि भगवान को जो दूसरा नाम देते हैं उससे बचे। जो बच्चा बचपन से ही अपने समाज को पुरुषार्थी बनाना चाहता, जो अपने के खिलाफ कोई संघर्ष करता हो उसके खिलाफ ताकत बनाना चाहता है, और इसीलिए हम भगवान कृष्ण की उन लीलाओं को भी एक बार नए सिरे से देखें, भगवान के होठों पे खिलने वाली मुस्कान जीते जी, और ये यादव समाज की देन है कि भगवान कालिया नाग के ऊपर भी नृत्य करते हुए मुस्कुरा रहे हैं, सभी कठिनाइयों में नृत्य करने की हिम्मत किसी में है, हमारे इस समाज में चाहे दुनिया में कितने कष्ट आ जाए, कष्ट से कहे तू तेरा काम कर मैं मेरा काम करता हूं, जो संघर्ष करेंगे संघर्ष का फल मिलेगा। वो अपने लिए देखो समाज की शक्ति इकट्ठी होती है तो गोवर्धन पर्वत को भी अपनी उंगली पर धारण करते, ये हमारा सौभाग्य है। गोपाल कृष्ण ने गोवर्धनधारी देकर के भी अपने को जीवन में क्या बताया, बड़े से बड़े पहाड़ से भी लड़ मरो लेकिन पीछे मत हटो, और एक बार नहीं कंस को मारने के बाद भी शिक्षा का क्या महत्व है भगवान कृष्ण ने फिर बताया, कंस को घर में उनके मारने के बाद भी शिक्षा का महत्व तो सीखना चाहिए, और जो शिक्षा धारण करे उस शिक्षा को जीवन भर भूलना भी नहीं चाहिए। ये ऐसे अनोखे विद्यार्थी का चरित्र भी भगवान कृष्ण के माध्यम से हमको सीखने लायक है। आमने सामने सेना है, हजारों लाखों की सेना है, लेकिन सेना के बीच में भी जो ज्ञान को याद रखे, जो मानवता को याद रखे, कर्म को याद रखे, मृत्यु लोक में जीवन क्यों आया ये एहसास कराए, ये केवल केवल हमारे भगवान कृष्ण की उनके मुखारविंद से निकलने वाली 18 अध्याय गीता का, ये हमारे चारों वेद, 18 पुराण, 64 कला सबका निचोड़ निकाल के देते हैं, जो दुनिया में एक पवित्र ग्रंथ के नाते से जाना जाता है। तो हमारे अपने जीवन में हमारे लिए कर्म करने के लिए और पवित्र गीता जी ये सबके घर में होना चाहिए, जो कर्म की शिक्षा देती है।